मिथिला में 15 दिन तक बारात वहाँ रुकी रही राम जी के यहाँ, और फिर भी सखियों का मन नहीं भरा था। भगवान राम का सुंदर सलोना रूप ही ऐसा था कि वो लोग चाहती ही नहीं थी कि वहाँ से वो जाए। इसलिए वो भगवान राम से क्या कहती हैं, ए पहुना एही मिथिले में रहुना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना, ए बोलती हैं, आप अपने भैया को देखिए काले हैं, यहाँ रहेंगे तो उनको हम लोग काले से गोरा बना देंगे। क्या कहती हैं, रोज सवेरे उबटन मल के इत्र से नहवाइब हो, रोज सवेरे हमारा क्या फायदा है, तो कहती है आपका भी फायदा है। क्या कहती है, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो, स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज के गारी हो, और क्या कहती हैं,
पार हम करब चिरारी हो, पार पार हम करब चिरारी, और कुछ हूँ ले होना ए पहुना मिथिले मेरा लेकिन और हमारे जो दो भाई हैं भरत और शत्रुघ्न, उनका क्या फायदा है? तो सखिया बोलती है उनका भी फायदा है। क्या बोलती है? कमला बिमला दूधमती में झिझरी खूब खिलाई बहो, जब सावन का महीना आएगा तो उनको झूला झुलाएंगे। कैसे झुलाएंगे? कमला बिमला दूधमती में झिझरी खूब झुलाइब हो, सावन में कजरी गा गा के रोज झूला झुलाइब हो, और क्या कहती हैं? पवन देव से करब निहोरा हो, पवन देव से करब निहोरा, होले होले बहुना ए पहुना एही मिथिले मेरा हुना, ए पहुना एही मिथिले मेरा हुना। हमरो निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने हो, पर ससुरारी के नाते परताप को आपन माने हो, और क्या कहती है? जो आनंद विदेह नगर में हो, जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहूँ ना ए पहुना एही मिथिले में रहुना, ए पहुना एही मिथिले में रहुना। जौने सुख बा ससुरारी में, सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा कहुना ए पहुना।